कई लोग ऐसे सोचेंगे सर इतना पैसा कहाँ से लाए, बहुत महंगे शेयर्स हैं। तो मैं आपको ना आज एक बहुत अच्छी सच्चाई बताता हूँ, कुछ ऐसे शेयर बताता हूँ मैंने भी होल्ड करके रखे हैं उनमें से बहुत सारे, जो इतने सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। अब पता है अगर आपको रिस्क फ्री कंपनियाँ कंपनियों के शेयर खरीदने हैं तो आप गवर्नमेंट के PSUs के शेयर खरीदो, गवर्नमेंट के PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं कंपनियाँ, उनके शेयर खरीदो आप। तो मैं आपको बताता हूँ सस्ते और सबसे बढ़िया शेयर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ये हैं, आप शक्ल देख लो, ये टॉप 50 कंपनीज हैं सस्ते शेयर में, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन ये निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज हैं। मुझसे पूछोगे मैंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, रिलायंस, ये देखो रिलायंस पे विश्वास हर किसी को होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आपको जब मौका मिले खरीद लेना, ये खरा सोना है। तो ये मैंने ले रखा है टाटा TCS खरा सोना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, टेक इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, HDFC खरा सोना है, ऊपर खरा सोना ही है सारा ये आपके पास, हिंदुस्तान यूनिलीवर खरा सोना है, मैं टेलीकॉम पे विश्वास है नहीं, ये अच्छा है वैसे टेलीकॉम में, HDFC खरा सोना है, ये आपका PSU बैंक, PSU है, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कोल इंडिया, इतना अच्छा डिविडेंड देती है, खरा सोना है। पर ये मतलब शेयर का तो पता नहीं, बट वैसे डिविडेंड बहुत अच्छा है, तो खरा सोना है, इंफोसिस खरा सोना है, कोटेक का मुझे पता नहीं, ज़्यादा रिसर्च मैंने करी नहीं, बट बताते हैं लोग कि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लोगों ने पाए हैं, ग्रोथ वाला है तो अच्छा है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि बुरा, बहुत अच्छा। निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स बड़े अच्छे हैं, और ICICI मेरी इन्वेस्टमेंट है, खरा सोना मानो आप। ITC तो ऐसा है कि एवरग्रीन है, शेयर ऊपर नीचे नहीं होता लेकिन डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, यू कैन होल्ड दैट। नेस्ले काफ़ी महंगा है, मैं आपको कहूँगा नहीं, मारुति सुजुकी काफ़ी महंगा है, ब्रिटानिया काफ़ी महंगा है, तो ये शेयर्स है ना FMCG के, खरा सोना है लेकिन बहुत महंगे हैं, वी कांट बाय दैट। SBI तो खरा सोना है और सस्ता भी है, आपको जब मौका मिले, ये जब नीचे आ जाए थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो खरीद लेने का। एशियन पेंट लीडर है, लीडर पेंट में लीडर है, नंबर वन कंपनी है इंडिया में, ये खरा सोना है, कभी मौका मिले तो खरीद लेना। HCLB इट्स अ गुड कंपनी, और बहुत सारी कंपनीज है, किस किस के बारे में बताऊं, बट ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, जिसमें आजकल अडानी का नाम बहुत आ रहा है, और लोग अडानी और टेक महिंद्रा, ये जो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अल्ट्रा टेक सीमेंट में नंबर वन पे चल रही है। सन फार्मा, ये देखो मैं कंपनी, इसके मैंने होल्ड करके रखे, ये शेयर ऑलमोस्ट 220 रुपये पे ट्रेड हो रहा था एक बार, 220-230 पे, आज इसे 600 रुपये पर है, पर ये 2 साल की बात है, पिछले 1.5-2 साल के अंदर, ठीक है, तो ये सारे हैं। और अगर आप इंश्योरेंस पे बिलीव करते हैं तो HDFC लाइफ एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली इंडियन ऑयल, बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को, पेट्रोल भरवाते डीजल भरवाते हो, गए हो कभी पेट्रोल पंप पे, 109 रुपए का एक शेयर है, क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो उसमें क्या 109 रुपए सेव नहीं कर सकते? अब आपको सब पैसा कहाँ से लाएं, मैं बोलता हूँ पैसा कहाँ से लाएं, देखो पैसा कहाँ से लाएं, अगर आप में कोई बुरी आदत है, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, छोड़ दो, तुम नशा ही करना है ना, इनमें पैसा लगा के नशा करो, सच बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, जब पैसे ऊपर नीचे होते हैं यू विल फील लाइक, मतलब सेम थिंग, उसमें वैसी जैसी फीलिंग आती है, पर इसमें सेहत तो खराब नहीं होगी कम से कम, हाँ टेंशन से सेहत खराब हो सकती है, बट आप जब पैसे बढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी तो आएगा, सो एडिक्टिव है बट उससे बेटर है, आप डायरेक्टली हेल्थ खराब करने से बढ़िया आप जो सिगरेट पीते हो, फालतू की चीज़ें छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं है, समझ में आता है, कम खाओ गम खाओ ये सब चीज़ें मत खाओ, पैसे बचाओ फालतू चीज़ें में खर्च करने से, पिज्ज़ा मंगा रहे हो ठीक है उसमें मज़ा आ रहा है, आईफोन खरीद लोगे, हमें आईफोन चाहिए, आईफोन आता है 20-30-40,000-50,000-70,000-1,00,000 रुपए का, इतना महंगा आईफोन खरीद रहे हो, उससे बढ़िया किसी के शेयर खरीद लो, काम आएंगे, उसी शेयर से जो प्रॉफिट होगा उससे खरीद लेना, पैसे बचाने के तरीके बहुत हैं। आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा सैटरडे नाइट है, पक्का आप लोगों ने ड्रिंक मंगवाई होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पिज़्ज़ा मंगवाया होगा, बाहर से खाना मंगवाया होगा, क्या 200-300-400 रुपए का बिल है, वो देने के लिए आपके पास पैसे हैं, दो रोटी घर बना लो, वही 300 रुपये शेयर मार्केट में लगा देना मंडे को जब शेयर मार्केट खुले, ऐसे बचाने के तरीके बहुत है, लेकिन बस हमको क्या है ना आदत पड़ी हुई है, रिस्क नहीं उठाएंगे, या बस चाहे पैसा कूड़े में गाल देंगे लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे। 109 रुपये का शेयर है, कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को, पेट्रोल ही भरवाते हो क्या तुम, तुम्हारे घर पे बिजली आती है कोयले से बनती है, कहाँ से आती है, कोल इंडिया कोयला देता है, 146 रुपये का शेयर है, बताओ सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है, जितने PSU हैं सारे PSU हैं ITC को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसे लगेगा मजा आ गया। NTPC नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या NTPC को, नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी, तो कौन नहीं जानता है, अगर कोई PSU में जॉब लेने जाता है तो NTPC का नाम किसने सुना, मैंने खुद ने सुना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में, 108 रुपये का शेयर, बताओ एक शेयर 108 रुपये का, 108 रुपये नहीं है हमारे पास, अरे क्यों नहीं है,
बचा लेंगे नहीं है तो ONGC ऑयल कंपनी 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। ITC कहां नहीं सुने हो तुम ITC को, ITC का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी, ITC के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से, 212 रुपए का शेयर है। बताओ फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती ITC की। बस प्रॉब्लम उसके साथ ही क्योंकि टबैको कंपनी है तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते, बट जो फैन है ना ITC कंपनी के वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है, तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। ढाई साल में मैंने सीखा जो मैं वो बता रहा हूँ, इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था 2.5 साल पहले।